आज था संडे और मेरे गार्डन में काफ़ी अच्छे फ्लावर खिले हुए थे, सदाफूली के, वाइट और पिंक वाले। और मैंने सोचा कि आज मैं प्लांट के लिए कुछ काम कर लेती हूँ, तो मैं गई सबसे पहले खाद लेने गोबर की। और अब देखते हैं, चलो। बिल्कुल बारीक गोबर की खाद भर ली है, अब चलते हैं मेरे गार्डन की ओर। मैं पहुँच चुकी थी मेरे गार्डन में, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर मेरे जो प्लांट हैं उनकी थोड़ी सी गुड़ाई करूँगी और उसमें ये थोड़ी थोड़ी डालती रहूँगी। काफ़ी बिल्कुल ही ये बारीक है, मैं इसे बारीक करके लाई हूँ, समय बहुत लग गया मुझे इसे बारीक करने में। अब मैं डालती हूँ अपने प्लांट में। देखिए, फर्स्ट प्लांट है मेरा ये शिव पत्र का, इसकी मैंने कर ली है गुड़ाई और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा। अब मैं डाल दिया है वो, अब मैं इसकी फिर से गुड़ाई करूँगी ताकि ये ऊपर नीचे हो जाए। रही हूँ इसकी वापस से गुड़ाई, ताकि ये, मैंने जैसा वाटरिंग तो मैं अब नहीं दूंगी क्योंकि मैंने सुबह दे दी थी, ये काम मैं दिन में कर रही थी 2-3 बजे के लगभग। तो ये देख सकते हैं आप, अब मेरा है सेकंड प्लांट, उसकी करती हूँ मैं। सेकंड प्लांट है मेरा एरिका पाम वाला, जिसकी मैंने करी पहले गुड़ाई। मेरी मिट्टी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं गुड़ाई कर रही हूँ तो एकदम से बिल्कुल टाइट नहीं है, काफ़ी अच्छी मेरी मिट्टी हो रही है, कर देती हूँ मैं। ये सब यही कारण है कि आप मिट्टी में थोड़े 10-15 दिन हो या 20 या 25 दिन बाद आप इसके में खाद या इसकी गुड़ाई अवश्य करते रहें। अब मैं डालूंगी इसमें जो अपनी नॉर्मल में खाद लेके आई हुई हूँ वो डाल दूंगी और फिर मैं इसमें करूंगी गुड़ाई वापस से। आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके मैंने ऐसे अपने सारे गार्डन में डाल दी थी जो गोबर की खाद थी, काफ़ी अच्छी ये रहती है, ज़्यादा भी नहीं डालनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी मैंने डाली है। और जैसा कि मैंने बताया, 20-25 दिन में इसे डालते रहें और गुड़ाई करते रहें, थोड़ी थोड़ी डालें, ज़्यादा नहीं डालें एक एक प्लांट में। अब मैं नेक्स्ट मेरे यूको प्लांट में डालती हूँ, आप देखिए। पहले मैंने कर ली है मेरे यूको प्लांट की गुड़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं मेरे यूको प्लांट में भी जो मैं गुड़ाई कर रही हूँ तो कितनी अच्छी तरीके से, नॉर्मली जो मेरी खुरपी है वो अच्छी तरीके से चल रही है। अब मैं डाल दूंगी इसमें खाद, क्योंकि ये है बड़ा गमला तो मैंने इसमें सारी डाल दी है। अब मैं इसे हाथ से ही ऊपर नीचे कर दूंगी और आप देख सकते हैं। नेक्स्ट यूको प्लांट में भी मैं डालूंगी, आप देखिए। नेक्स्ट मेरी ये है, इसमें येलो वाले छोटे छोटे फूल आते हैं, बेल है ये, इसकी भी मैं गुड़ाई करूँगी और इसमें भी मैं डालूंगी। काफ़ी अच्छा फूल देती है ये भी, और इसकी आप मेरी मिट्टी देख सकते हैं कैसी हो गई है, तो इसमें इस चीज़ की ज़रूरत है क्योंकि ये मिट्टी बिल्कुल, आपने और देखी थी मेरी खुदाई कर रही थी मैं, तो वो बिल्कुल एकदम जा रहा था झट से और इसमें दिक्कत हो रही है। तो अब मैं इसकी थोड़ी सी गुड़ाई कर दी है मैंने, अब मैं इसमें मेरी जो गोबर की खाद है वो डाल दूँगी, फिर हिला दूँगी। मैंने इसमें पूरा ही डाला है क्योंकि इसमें आवश्यकता है इसकी, आप प्लांट को देख के इसे डाल सकते हैं कि किस तरीके की आवश्यकता है। और मैंने ये ऊपर नीचे हिला लिया है, ये मेरे सारे प्लांटों में डल चुकी है। वॉन्डरिंग जू इसमें भी मैंने डाल दी गुड़ाई करके, कई प्लांटों में आवश्यकता नहीं है उनमें मैंने डाली नहीं है, तो ऐसा आप देख के अपने प्लांट में कर सकते हैं। ऐसे नहीं ज़्यादा ओवर आपने कर दी तो प्लांट आपका जल भी सकता है क्योंकि गर्मियाँ बढ़ रही हैं, तो आप देख के डालें ढंग से। आगे है मेरी मॉशरोज, ये भी काफ़ी ग्रीन ग्रीन हो रही है, बट इसमें भी मैं थोड़ी गुड़ाई करके डाल दूंगी ताकि फ्लावर आना इसमें अभी शुरू नहीं हुए। कई में मेरी मॉशरोज में हो गए हैं, कईयों में नहीं हुए हैं, तो आप ऐसा काम कर लें जिससे कि हो जाएंगे। इसकी मैं गुड़ाई नहीं कर सकती तो इसमें मैंने ऐसे डाल दिए ऊपर से, फिर मैं वाटरिंग कर दूंगी तो ये इसमें नीचे चला जाएगा। ये काफ़ी अच्छे फ्लावर देगी अभी गर्मियों में। और नेक्स्ट है मेरा बेबी सनरोज, जिसे कि आप देखिए, वो मैंने कटिंग से ग्रो किया था और उसमें काफ़ी अच्छे फ्लावर आना शुरू हो गए हैं। ये मैंने स्टैंड पे रख दिया, ऑयल कैनी मैंने कट करके इसमें लगा रखा है, काफ़ी वेस्ट मटेरियल आइडिया है ये। और ये बेबी सनरोज है, इसमें देख सकते हैं आप फूल आना शुरू हो गए, ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था, आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी कटिंग से ही ग्रो किया है बेबी सनरोज, इसमें भी फूल आना शुरू हो चुके हैं, तो इसे भी मैं अपने जो बाहर वाला मेरा गार्डन है वहां से मैं इसे अंदर लेके आई हूँ। तो अब मैं इसे यहाँ पे रखूंगी क्योंकि ये फ्लावर दे रहा है। मैं कर रही हूँ मेरे गार्डन की क्लीनिंग, थोड़ी सफाई कर रही हूँ, जो कि
मैंने जैसे खाद दी तो आप देख सकते हैं गंदगी निकल रही है। और इस स्टैंड का ये फायदा है कि उसके नीचे से भी अपन सफाई कर सकते हैं, अगर ऐसे गमले होते तो अपन नहीं कर सकते थे इतनी।